खबर जालौन से है, जहां लेखपाल और मोहल्ले के दबंग लोगों के आतंक के चलते गरीब मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि किया पूरा मामला माधोगढ़ कस्बे का है, जहां पर एक गरीब परिवार रहता है और वह परिवार आज मोहल्ला के ही चंद लोगों के आतंकवाद से परेशान होकर जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहा है। और उस गरीब परिवार के सदस्यों को उन दबंग लोगों और लेखपाल के द्वारा धमकी मिली है कि अगर एक सप्ताह के भीतर इस मकान को खाली नहीं किया तो हम लोग खुद आकर इस मकान को जमींदोज कर देंगे। माधोगढ़ के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले करण सिंह पुत्र शालिग्राम निवासी लक्ष्मणपुरा थाना कोतवाली माधोगढ़ ने बताया कि हमारी बेटी की शादी 22 अप्रैल को है और यह गुंडे लेखपाल मंसूर अहमद को साथ लेकर शनिवार सुबह हमारे मकान में हो रहे निर्माण कार्य को रोकते हुए उसकी दीवारें भसकाने लगे। तो जब हम लोगों ने विरोध करते हुए मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू किया तो दबंगों ने हमारा मोबाइल छीन लिया और फेंक दिया और हमें दबंगों ने उनका मोबाइल छीन लिया और फेंक दिया और जान से मारने की धमकी देकर मकान की दीवारें गिराने लगे। वहीं अपना बना हुआ आशियाना उजड़ते देख शांत होकर वे रह गए और जिलाधिकारी से मिलकर आप बीती सुनाने के लिए उरई आ गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऑनलाइन शिकायत कर दी है। जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।